दोस्तों आइंस्टाइन ने बताया था कि ब्लैक होल के पास टाइम एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है, बट आखिर ब्लैक होल के पास टाइम स्लो क्यों हो जाता है, आइए समझते हैं बड़ी ही सिंपलीफाइड तरीके से। दोस्तों अगर आपने इंटरस्टेलर नाम की मूवी देखी है तो आपको ये जरूर पता होगा कि ऊपर और उसकी टीम एक माइलर्स नाम के प्लैनेट पर जाते हैं जो कि एक ब्लैक होल के काफी करीब होता है, जहां पर बिताए गए हर एक घंटे पृथ्वी पर 7 साल के बराबर होते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइंस्टाइन ने ये बताया था कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा करता है, और वही ब्लैक होल के केसेस में ये कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप नॉर्मल स्पेस में पॉइंट ए से बी तक जाओगे तो आपको काफी कम समय लगेगा, पर वही ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम में आए कर्वेचर्स के कारण उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि आपको पॉइंट ए से बी तक उसी स्पीड में जाने पे ज्यादा टाइम लग जाएगा। पर आइंस्टाइन ने ये भी बताया था कि लाइट की स्पीड हर कंडीशन में कांस्टेंट ही रहती है, इसीलिए जब लाइट उस स्पेस टाइम कर्वेचर से होकर गुजरेगी तब उसकी स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टाइम स्लो हो जाता है।